वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, पजल सॉल्वर। तो आज हम जो पजल आपके लिए लेके आए हैं वो पजल हमारी मैथ सीरीज पजल की पजल नंबर है 20। और इस पजल में आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आप में से कौन इसको सॉल्व कर पाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे इस इक्वेशन में हमारे पास तीन साइन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। तो हम एक बार बॉडमास रूल को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा और इस रूल के अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, फिर हमें डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और उसके बाद सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन को। तो फ्रेंड्स, चलिए इस बॉडमास रूल को अपनी इस इक्वेशन में लगाते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन विद 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल, तो आंसर आ गया 4। जब इन दोनों का एडिशन करेंगे, उसके बाद एडिशन होना है, तो इन दोनों का एडिशन होगा तो 2+2 हो जाता है हमारा 4, और सबसे लास्ट में होगा हमारा सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन हम करेंगे 4-4 दैट इज इक्वल टू 0, और हमारा ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट। और हमारी फ्रेंड्स ये पजल भी हो जाती है सॉल्व। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको ये पजल पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।